हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी से कहा गया था कि आपके जीडी के लिए पीवाईक्यू मैं कराने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, ठीक है। ये वाली जो क्लास है आपकी सब्जेक्ट वाइज रहेगी, यानी यहाँ पर आपको केवल हिस्ट्री के जो है PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही आज से ही हमारी एक और क्लास भी स्टार्ट हो रही है मेरी वाली, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी जो 2022 में वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की, जिसका एग्जाम जनवरी में हुए थे एसएससी जीडी के। तो ऑल सब्जेक्ट किसके, जीके और जीएस के ऑल सब्जेक्ट आपको कवर होंगे, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक्स, जीके, सब कुछ वहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस शानदार सी क्लास में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्लियर दिख रहे होंगे आपको। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे। सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको किया था? अल कातिब कश्मीरी। अल कातिब कश्मीरी को किसकी किस किससे सम्मानित किया? स्वर्ण कलम की उपाधि से। किसकी? स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। बताएंगे किस सम्राट ने किया है? औरंगजेब, जहांगीर या फिर औरंगजेब, जहांगीर या फिर आपके शाहजहां या फिर अकबर? किसने किया था? अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित ये किया था सम्राट अकबर ने। किसने किया था? सम्राट अकबर ने। और अकबर ने सम्राट अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? बीरबल को उपाधि कौन सी दी? बीरबल को उपाधि दी थी दोस्तों कविराज की, ठीक है, कवि राज की, ठीक है। मुगल वंश का ही आपका एक शासक था कौन? अकबर, ठीक है। चलिए, कदमाई खालिस्तान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। बताएंगे चोल या फिर कुषाण या चालुक्य वंश या गुप्त वंश? बताएंगे किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। भू राजस्व मतलब भूमि, राजस्व यानी होता है आपका टैक्स, होता है क्या होता है? एक टैक्स होता है राजस्व, ठीक है, कर, ठीक है, हम बोलेंगे उसे। तो कदमाई खालिस्तान राजवंश, कौन सा राजवंश? चोल राजवंश, ठीक है। ये आपका दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का राजवंश था। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक नहीं बल्कि भारत की पहली, इतिहास की पहली महिला शासक कौन थी? वो आपको बताना है रजिया थी, ठीक है। भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? बताएंगे किस तुर्की शासक की वो बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मुइजुद्दीन बहराम या फिर गयासुद्दीन बलबन? किसकी थी? ये थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किसकी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की ये कौन थी? बेटी थी। और ये बहुत ही अच्छी काबिल एक शासिका साबित हुई, और इसने जल व्यवस्था और संगीत, कला, सांस्कृतिक, को प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहन किया, ठीक है। एक अच्छी महिला शासक ये अच्छी साबित हुई, और इसने
पर्दा प्रथा त्याग कर जो पुरुषों के जो वस्त्र होते थे उसने धारण किए और अपना शासन चलाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका देखेंगे। निम्नलिखित में से महाराज धीराज, महाराज धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? कौन किसकी उपाधि? महाराजा, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर रामगुप्त? कौन थे बताएंगे जल्दी? ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आपके गुप्त गुप्त काल के गुप्त जो वंश था उसके तीसरे शासक, पहले शासक कौन थे? पहले शासक कौन थे? श्रीगुप्त। पहले कौन थे? श्रीगुप्त। दूसरे घटोत्कच, दूसरे घटोत्कच, तीसरे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आपके समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, पांचवे रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। इससे पहले भानुगुप्त। तो देखेंगे, आप ये याद रखिएगा, देखेंगे तीसरे जो थे इनको महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान थी, प्रदान की गई किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, और वही बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। इनका शासनकाल बहुत अच्छा था, इनका इनका भी अच्छा था, समुद्रगुप्त का बहुत अच्छा था इनका शासनकाल। इन्हीं के काल को क्या कहा गया है? गुप्त काल का स्वर्ण काल, गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, स्वर्ण काल इनको कहा गया है, समुद्रगुप्त के काल को। यहाँ का चंद्रगुप्त द्वितीय था वो भी बहुत अच्छा एक शासक था, और कहा जाता है कि ये पत्थर के सिंहासन पर बैठकर न्याय किया करता था। ठीक है, बहुत ही न्यायप्रिय एक राजा था, और इसने किसकी उपाधि धारण की? किसकी उपाधि? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और जो सबसे फेमस यही था, चंद्रगुप्त द्वितीय में चंद्रगुप्त द्वितीय यही फेमस था विक्रमादित्य नाम की उपाधि से। बाकी बात करेंगे विक्रमादित्य की उपाधि कितने राजाओं ने धारण की, तो 14 राजाओं ने, 14 राजाओं ने, राजाओं ने ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और वहीं हम बात करें कुमारगुप्त की, कुमारगुप्त की, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है आपकी, किसने बनवाई? कुमार गुप्त ने वो बनवाई थी। ठीक है, किसने बनवाई, इसका निर्माण किसने कराया? कुमार गुप्त ने कराया। और वहीं बात करेंगे स्कंद गुप्त ने क्या किया था, स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का
पुनः निर्माण कराया किसका? सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील। ये कहाँ पर है? ये आपके जूनागढ़ में। कहाँ पर? जूनागढ़ गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में। इसका निर्माण किसने कराया? देखेंगे, निर्माण किसने कराया था? निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है, राजा खारवेल के। और आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसी ने क्या करवाया था? यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था गुजरात में, ठीक है। और इसका पुनः निर्माण किसने कराया? पुनः निर्माण रुद्रदामन, रुद्र दामन। आपसे अगर क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। अगर पुनः निर्माण की बात आएगी तो किसने कराया? रुद्र दामन ने कराया, ठीक है, रुद्र दामन ने कराया। फिर से पुनरुद्धार किसने कराया था? आपके स्कंद गुप्त ने, ठीक है, स्कंद गुप्त ने इसका पुनः निर्माण कराया, ठीक है। चलिए, हो गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की, ठीक है। ये हो गया आपका। महाराजा धीराज की उपाधि किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्राप्त की थी। क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बौद्ध गया जो है एक महत्वपूर्ण क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल है। अब वो बताइए क्यों, क्यों था? यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, या फिर यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था, या फिर यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? बताएंगे। बौद्ध गया क्यों फेमस है? क्यों फेमस? एक बौद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि जन्म तो इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, यानी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा में इनको क्या हुई? मृत्यु की प्राप्ति हुई। और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? श्रवास्तवी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ना हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। सारे जो क्वेश्चन हैं आपसे पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। चलिए, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? बताएंगे, राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, भगवान राम, या फिर भगवान शिव, या भगवान गणेश को? किसको समर्पित है राज राजेश्वर मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और इसका एक और नाम है बृहदेश्वर, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर। अब इसे इसी नाम से जाना जाता है मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया? राज राजेश्वर राजा, राजा राज राजेश्वर।
कब कराया? 1000 ईस्वी में कराया। कहाँ पर है ये वर्तमान में? तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस शैली पर ये मंदिर बना हुआ है? द्रविड़। मैंने कहा था अगर आप साउथ साइड जाएंगे, तो आपको कौन सी शैली देखने को मिलेगी? द्रविड़ शैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं हम अगर नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सी शैली मिलेगी आपके? नॉर्थ में कौन सी मिलेगी? नॉर्थ में आपको मिलेगी नागर शैली। ठीक है, चलिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? बताएंगे, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी आयु 18 वर्ष थी, या फिर उसने फरगाना की राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, या फिर उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, या फिर वह पहला मुगल सम्राट था। इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर इनमें से गलत है। तो आपका एक ही इसमें से गलत है, वो है जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसके उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष उसकी आयु थी। ठीक है, और ये वे पहला मुगल सम्राट था। ठीक है, पहला मुगल सम्राट पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। दूसरा नाम उर्फ मुगल सम्राट बाबर। ठीक है, इसके अलावा इसने काबुल को जीतकर कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, क्या जीतकर? काबुल को जीतकर उसने किसकी उपाधि धारण की? बादशाह की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? लिखित है बाणभट्ट द्वारा, बताएंगे, अष्टाध्यायी, अकबरनामा, हर्ष हर्षचरित मानव मानव, या फिर मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, क्या आंसर होगा? हर्ष चरित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन सी जो है फेमस पुस्तकें हैं जो किस किस के द्वारा लिखी गई हैं, ये आपको क्लियर दिख रहा है? चलिए, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। किसके द्वारा? अबुल फजल। मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास। ठीक है, फिर अष्टाध्यायी पारिणी देखेंगे, यो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाया था, उसी समय के है ये कालिदास। ठीक है, उसी समय के है ये कालिदास। ठीक है, अष्टाध्यायी पारिणी ने लिखी, और रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, वेद व्यास ने, अर्थशास्त्र चाणक्य, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य। अर्थशास्त्र का मतलब उस समय ये नहीं था इकोनॉमी, उसका मतलब था पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। ठीक है, बुद्ध चरित, अश्वघोष, या आपका अश्वघोष, और महाभाग्य, पतंजलि, मेघदूत कालिदास ने लिखी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और मुद्रा राक्षस लिखी विशाख दत्त ने, गीत गोविंद जयदेव, बृहत संहिता, बारह मिहिर, सूर्य सिद्धांत ये भी आर्यभट्ट, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने। ये आपका नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, और इसी में हमें भरतनाट्यम नृत्य देखने को मिलता है, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम।
तमिलनाडु का है ये, तो जो भी बताई थी ये फेमस पुस्तकें हैं, ठीक है? इनके लेखकों के नाम आप इंपोर्टेंटली बिल्कुल याद कर लेना। चलिए, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बलवंत सिंह, उदित नारायण सिंह, या फिर महिप नारायण सिंह, या फिर चैत सिंह? किसको किया गया था 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार? चैत सिंह को, ठीक है? चैत या चैत सिंह को। क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार के पांचवें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासन काल के द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार तो सबने देखी होगी ना, कुतुब मीनार सबने देखी होगी, ठीक है? तो बताएंगे किसके शासन काल में जो पांचवी मंजिल है, ये पांचवी मंजिल ये इसका निर्माण किसने करवाया? पांचवी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, या मोहम्मद बिन तुगलक ने किसने कराया? बताएं, आंसर दीजिए। ये देखिए, ये कराया था पांचवी, देखेंगे पांचवी मंजिल किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? सिंपल है, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, नाम मिलता जुलता है, उसने अपने नाम पर कुतुब मीनार बना दी। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। लेकिन एक ही मंजिल इसने बनाई, ठीक है? एक ही मंजिल किसने बनाई थी? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अब बात करेंगे ये इसकी 3 मंजिल के बारे में। तो 3 मंजिलें और ऐड कर देंगे तो 3 मंजिलें और किसने करवाई? इल्तुत मिस ने क्या करवाई? इसके ऊपर 3 और वो आया और 3 और उसने मंजिलें बनवा दी। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब आपने पांचवी पढ़ी ली, पांचवी आपकी कौन सी थी? 5th नंबर की। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था? इस पांचवे आखिरी आखिरी थी ये, ठीक है? इसके बाद नहीं है कोई, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसको अवध को अशांत करने की अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? बताएंगे किसने? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेलेजली। किसके शासनकाल? लॉर्ड डलहौजी। और इसी के शासनकाल में क्या चलाई गई भारत में? प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई मुंबई और ठाणे
ठाणे, मुंबई और ठाणे के बीच में क्या चलाई गई पहली रेल चलाई गई थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अठारह सौ पैंसठ में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किया गया था? बताएंगे आर्थर क्राफ्ट, या फिर चार्ल्स एटकिसन, या फिर एच फाउलर, या फिर विलियम हंटर। तो किसे पहला नगर कौन सा नियुक्त किया गया था? आर्थर क्राफ्टर, आर्थर क्राफ्ट, ठीक है। अठारह सौ सत्तावन तक खाली स्थान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। 1857 तक, ठीक, कितने 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक रहने का निवास स्थान रह चुका था। बताएंगे कौन सा, परी महल, या जहांगीर महल, या फिर आगरे का किला, या फिर लाल किला। तो इसका आंसर है लाल किला, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन। राजा राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, या अकबर। इसका आंसर कौन देगा? कौन देगा? इसका आंसर आपको देना है। इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको खुद बताऊंगी, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। और जिसका भी आंसर सही होता है उसे पिंड किया जाएगा कमेंट में, और उसके साथ ही यहाँ पर लगाया जाएगा कि किसने सही बताया, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर देना, नहीं आए तो भी बताना, लगेगा तो सही आपने पढ़ाई अच्छे से की है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ आपको इसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करना, आपको ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम पर, और ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पिछले साल के, मैंने आपको बता ही दिया, 2022 का एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, 22 में वैकेंसी आई थी, 23 में हुआ था, ठीक है। तो उसके पूरे पीवाईक्यू सेट में करा रही हूँ, ठीक है। पूरे जितने भी सेट हुए थे, जितने भी दिन पेपर चले थे, पूरी शिफ्ट के आपको पेपर कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। जीके और जीएस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर से सुन लेना, जीके और जीएस के, ठीक है। तो आज शाम से ही मेरी क्लास है उसकी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही शानदार शाम की क्लास में। चलिए।